आप आत्महत्या काहे करेंगे? अब कोई रास्ता नहीं, जी के का देख के का करेंगे, हमारा आदमी यहाँ बर्बाद हो जाएगा इतना इतना है, अब 3.5 करोड़ आदमी बर्बाद हो रहा है, और हमारा विश्वास में लोगों का चला लड़ाई लड़ा खून दिया, वो लोग का हो रहा है, वो लोगों का तो असल बर्बाद हो गए, ये लोग तो MLA MP बना खा पी रहा मजा उड़ा रहा, और जनता को क्या हो रहा है बता दीजिए। ये जैसे शान का लड़ाई तो हम मान जाते हैं, शान का लड़ाई तो नहीं है, ये खाली पैसा का लड़ाई है, पैसा का लड़ाई और सत्ता का लड़ाई, कौन हमारा पीछे कौन दौड़ेगा। चंपई सोरेन आज से भाजपा के हो चुके हैं, हमारे साथ बहादुर उराव है, पूर्व विधायक और JMM के एक सेंट्रल कमेटी के मेंबर है, यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं पूछते हैं, युवा गुलता नहीं लिखो, आप यहाँ क्यों आए हैं? ना यही आए थे कि मिलो तो थोड़ा हमको संतुष्ट, क्यों मिला, क्या किया, क्या चाह रहा है, कम तो बात तो करते, यहाँ भी तो बात करने को तैयार नहीं है ना। कौन बात करने को तैयार? हेमंत बात करेगा, कोई नहीं, ये भी बात करने का, कोई दोनों बात नहीं कर रहा, दोनों का गलती है, ऐसा बात नहीं, क्या गलती थोड़ी मान रहे, दोनों का गलती। खुला पत्र किस बात का है? उसी बात का है, तुम ऐसा ऐसा हमारा दोस्त हमारा देश को इन लोगों को जला रहा है और उसका नेतृत्व तुम चल रहे हो, ये तो बोला है ना कि अपराध मुक्त करेंगे, तो अपराध मुक्त तो इसलिए पूरा अपराधी ही लोगों ने, कौन सा इसमें मर्डर नहीं बताओ, जिसका नाम कौन मर्डर नहीं किया है, मोटा भाई क्या अपराध जो लोया को अपराध नहीं किया है कि हमारा 700 बेटी को साल हम आसाम का हमारे बेटी को लंगा करके रोड़ों में दौड़ा दिया वहाँ गुवाहाटी में, क्या बात करते हैं? तो आप इस चंपईदा के इस फैसले से हेमंत सोरेन किस फैसले खुश नहीं है? नहीं, ये गलत हुआ है, अब तो बात बूत करना चाहिए, बुलाना चाहिए, बस अपना मतलब से करेगा, जाओ करे, अब तो हम रहेंगे ना, तो अब तुम लोग देखो, अब लड़ाई लोग का करता, तुम लोग देखो, हम देखने का समय खत्म हो गया, अब तो 7 रोजाना में है, अब तो आत्महत्या छोड़ के दूसरा पैसा हमारा क्या रहेगा? कौन आत्महत्या करेगा? हम करेंगे, कौन आप क्या करेंगे जी के, ये लोग लड़ते रहेगा, हमारा जनता बर्बाद होते रहेगा, असल बुआ जैसे हमारे साला तीर धनुष को लड़ाई लड़ा, उस जनता जो बर्बाद फाड़ में जाएगा, आज लोग का करोड़ों का 5-5 करोड़ का पैसा ले रहा है, उसको परसेंटेज पैसा ले रहा है, असल खा रहा दम तक, खाली पैसा का खेल हो रहा है, कहाँ पर है ये जैसे शान का लड़ाई तो हम मान जाते हैं, शान का लड़ाई तो नहीं है, ये खाली पैसा का लड़ाई है, पैसा का लड़ाई और सत्ता का लड़ाई, कौन हमारा पीछे कौन दौड़ेगा? अभी तो Z+1 का हुआ ना, तब अब तो हम मिल भी नहीं सकते, अब मिलेगा भी नहीं, ये बहुत सा मामला एक बताइए, जब नान सा हो गए इसमें तो फिर आप आत्महत्या काहे करेंगे? अब कोई रास्ता नहीं, जी के का देख के का करेंगे, हमारा आदमी यहाँ बर्बाद हो जाएगा इतना इतना है, अब 3.5 करोड़ आदमी बर्बाद हो रहा है, और हमारा विश्वास में लोगों का चला लड़ाई लड़ा खून दिया, वो लोग का हो रहा है, वो लोगों का तो असल बर्बाद हो गए, ये लोग तो MLA MP बना खा पी रहा मजा उड़ा रहा, और जनता को क्या हो रहा है बता दीजिए। आप तो JMM सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, हाँ वहाँ बात नहीं रखने रखे उस सब बात कर भाग गया चले, फिर अब बोला हम तो पढ़ने को बुला के बोले सला दलाई करते हो, हाँ कोई बात होता है तो क्या बोलता है, सीता सोरेन का मामला कैसे छाप दियो, हमसे बात करना चाहिए, साला तुम लोग अपना मतलब से करेगा, कल साला आए हो लूटने के बाद लड़वा रहे, समझ में नहीं आता, हमसे बात करना, कल बाबा आते बुलाया भी नहीं, बात भी नहीं। ये पत्र आप आम जनता को दे रहे हैं या हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को दे रहे हैं? नहीं, ये तो आम जनता ही हेमंत सोरेन पढ़े और ये आम जनता जाने, आप चंपई सोरेन से आपका मुलाकात नहीं हो पा रहा है? वो होगा भी नहीं करेगा, वो सब छोड़िए, अब कोई बड़ी बात अरे कोई सूरज तुम लोग अगर संभाल लेते हो झारखंड बच जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बचने नहीं जा रही, दोनों का लड़ाई में झारखंड बर्बाद हो, ठीक है।